हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो बस आज मैं एक न्यू रेसिपी आपके साथ ले आई हूँ, और बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो मार्केट से मैं ले आई हूँ भिंडी, और भिंडी को मैंने वॉश करके कुछ इस तरीके से, फ्रेश भिंडी थी तो उसे मैंने कपड़े से क्लीन कर लिया। आप इस भिंडी की सब्ज़ी को एक बार बना के खा के और खिला के देखो अपने फ्रेंड्स फैमिली में। डेफिनेटली भिंडी की चिपचिपी सब्ज़ी जो खाते हैं ना, या फिर ग्रेवी वाली, वो एकदम भूल जाएंगे सब लोग खाना, और कोई पसंद भी नहीं करता है उस सब्ज़ी को, क्योंकि वो बहुत चिपचिपा लगता है। इसलिए मेरी फैमिली में तो बिल्कुल नहीं कोई खाता। तो बस मैंने कुछ इस तरीके से भिंडी बनाना सीख लिया। तो बस भिंडी को वॉश करके कट कर लिया था कुछ इस तरीके से। उसके बाद उसमें ऐड किया मैंने बेसन। अब आप लोग इतना देखोगे तो कहोगे ओहो भिंडी का पकौड़ी तो है, बट नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके की सब्ज़ी है। तो आप एक बार इसको ज़रूर देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हो। तो इसमें डाल दिए सारे स्पाइसेस, जैसे कि गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, और ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट था। तो बस इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर दिया। हाँ, अगर मेरे पास नींबू नहीं था, अगर आपके पास नींबू है तो इसमें नींबू ज़रूर नहीं छोड़िएगा, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है इसका टेस्ट। तो बस हो गया ये मेरा रेडी, और इसको मैंने रख दिया साइड में। उसके बाद मैंने गैस पे चढ़ाई कढ़ाई, उसमें डाला ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने ऐसे काजू थोड़े से लेके उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसको रोस्ट करके फिर मैंने उसको साइड में निकाल दिया, और फिर मैंने उसी कढ़ाई में ऐड किया थोड़ा सा मूंगफली। मूंगफली को भी मैंने फ्राई कर लिया और फ्राई करके निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि काजू और मूंगफली नहीं रहेगी तो ये सब्ज़ी नहीं बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप जब इसकी फॉलो करोगे ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बस उसके बाद से मैंने करी लीव्स को भी उसमें फ्राई कर लिया था, और करी लीव्स निकाल लिए साइड में। और ये भिंडी मेरी कुछ इस तरह की हो गई थी। 20 मिनट्स के बाद अच्छे से बेसन की अच्छी कोटिंग हो गई थी इसमें। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है, और ऐसा नहीं कि पानी का बैटर इसमें बनाने के लिए इसमें डाला या फिर पकौड़ी की तरह छानना, कुछ भी नहीं था। बस बेसन थी और नमक डालने के बाद ही ऑलरेडी अपना चिपचिपापन से अच्छे से कोटिंग हो जाती है भिंडी पे, इसलिए पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सारी भिंडियाँ मैंने बस कुछ इस तरह से फ्राई कर ली गोल्डन ब्राउन, और बस आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा ये भिंडी। लेकिन इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए बस मैंने इसको कर लिया सारे एक बाउल में ट्रांसफ़र, और फिर इसमें ऐड कर दिया जो फ्राई की हुई थी मूंगफली मेरे पास, करी पत्ता जो था, और ये है काजू जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। बस इसमें गया ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट मेरा लाइट था इसलिए, और भी टेस्टी बनाने के लिए चाट मसाला, और ये रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च थी। बस इसके बाद इसको उछाल उछाल के मैंने कर लिया मिक्स मिक्स मिक्स, और ये हो गया बहुत टेस्टी। और इसको फिर मैंने एक अच्छे से बाउल में सर्व कर दिया। अब आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और जितना सुंदर दिख रहा है ना, उतना ही टेस्टी ये खाने में भी लग रहा था, बहुत टेस्टी एकदम। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और मेरी फैमिली में सब लोगों को पसंद है। ऐसा नहीं है कि काजू और मूंगफली नहीं रहेगी तो ये सब्ज़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल बन सकती है। जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल आप वैसे बनाओ, खाओ और सबको खिलाओ, क्योंकि कोई भी आता है ना इस तरीके से बना खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।